करते हैं प्राइमर से। प्राइमर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और नॉन केकी लगता है। अब मैं करने वाली हूँ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर से आप अपने अनइवन स्किन या फिर जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको हाइड कर सकते हैं। अगर आप कलर करेक्टिंग को स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जहाँ भी कलर करेक्टिंग यूज़ किया अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, सारे एजेस को ब्लेंड कर लेंगे। फाउंडेशन में मैं लैक्मे का फाउंडेशन ले रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है। मैं फाउंडेशन को अपनी फिंगर पे लेके डॉट डॉट करके पूरे फेस और नेक को कवर कर लूंगी। उसके बाद मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो कि ज्यादा ना ही वेट है ना ज्यादा ड्राई है। फाउंडेशन को मैं एक डैपिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ, ड्रैग बिल्कुल नहीं करना है। बहुत लोग ड्रैग करके करते हैं तो उनका फाउंडेशन केकी लगने लगता है। कंसीलर में मैं यहाँ सीस बीटी की पेन स्टिक यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा ब्लेंडिंग है इसका, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कलर करेक्टिंग किया था वहाँ वहाँ मैं सारी जगहों पे कंसीलर यूज़ कर लूँगी ताकि वो जो ऑरेंज कलर है वो ऊपर से पॉप आउट ना हो। एंड मैंने यहाँ पे कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो कि डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। कंसीलर एंड फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद आपका फेस एकदम गोल लगने लगता है, तो आपको अब क्या करना है, अपने फेस को एक अच्छा शेप देने के लिए फेस को कॉन्टोर करना है। मैंने अपनी नोज, चिक्स और जॉ लाइन को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। अब मैं अपने फेस को लॉक करने के लिए स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। अंडर आई और लिड पे क्रीज ना पड़े उसके लिए मैंने यहाँ पे लूज पाउडर लिया है जो कि इनसाइड का लूज पाउडर है। सारी है आईब्रोज की, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पूली लेकर अच्छे से आईब्रोज को कॉम कर लिया है। उसके बाद इमेजिक प्रोफेशनल का ये आईब्रो कलर ले लिया है। उसके बाद एक एंगुलर ब्रश से आपको अपनी आईब्रोज को शेप देना है, बैक साइड से फिल करना स्टार्ट करना है, बैक साइड से आपको फ्रंट पे आना है, ज़्यादा फ्रंट पे आपको फिल नहीं करना है, फिर वो ज़्यादा फेक लगने लगता है। उसके बाद आपको स्पूली लेकर फिर से सेट कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो हट जाएगा। ये मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का पैलेट लिया है, ये पैलेट काफ़ी पुराना पैलेट है तो शायद इसकी लिंक नहीं मिल पाएगी। आप हुडा ब्यूटी का ऐसे ही सिमिलर पैलेट ऑनलाइन मिल जाएंगे। ट्रांजिशन के लिए मैंने ब्राउन शेड पूरी ऑल ओवर लिड पे लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन कलर लेके हाफ लिड पे यूज कर रही हूँ। अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है तो अपने हाथ से भी प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं, बट आपको दूसरी फिंगर से ब्लेंड करना होगा। अब मैंने एक फ्लफी ब्रश लेके एक डार्क ब्राउन शेड को लास्ट कॉर्नर पे यूज किया है जो कि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मस्कारा यूज किया है, बहुत अच्छा मस्कारा है, अच्छा वॉल्यूम देता है, आपको लैशेस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको लगाने के बाद। आईलाइनर के लिए यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा पतला यूज करूंगी बिकॉज मेरी थोड़ी सी हुडी डाइज है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हुडी डाइज है, तो मैं इतना आईलाइनर प्रेफर नहीं करती हुडी आईज में। अब मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर यूज कर रही हूँ जो कि आपकी आईज को थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइट काजल ले रही हूँ, ब्लैक काजल हुडी आईज पे नहीं जाता है तो व्हाइट काजल लेना चाहिए, इससे आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखती हैं। अब बारी है लिप्स की, तो लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज किया जो कि बहुत ही अच्छा लिप लाइनर है। लिप लाइनर से अपने लिप्स को अच्छे से शेप देते हुए यहाँ पे लिप लाइनिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रेड इनसाइड की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज किया है। अगर आप मेकअप में बिगनर्स हैं तो आपको मस्कारा और आईलाइनर से पहले ही मेकअप फिक्सर को यूज कर लेना है क्योंकि आपके आईलाइनर और मस्कारा के फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे इस वीडियो का क्या पार्ट अच्छा लगा है क्या नहीं, और जो कमी रहेगी उसको भी आप कमेंट कर सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी।